Welcome to our talk about Quality Assurance Framework PSG 2023. It is second talk of the series. We will talk about terms, principles, and values. We will be discussing HEC and Quality Assurance Agency. Quality assurance related terms, quality assurance principles, and values of quality assurance processes. Part A is about HEC and Quality Assurance Agency, QAA. The Higher Education Commission, HEC. Was established in 2002 by the government of Pakistan to facilitate the development of indigenous universities to become centers of excellence for education, research, and development. So, uh, Pakistan Higher Education Commission or Higher, Higher Education Commission of Pakistan was established in 2002 previously it was a university grants commission 2 quality assurance agency QAA was established in 2005 by the government of Pakistan through the HEC with vision to promote enhance and assure क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान सो क्वालिटी एशोरेंस एजेंसी जो कि एच ई सी का पार्ट है इसका मैंडेट है इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो प्रमोट करे इनहेंस करे एश्योर करे क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में बी पार्ट इज क्वालिटी इश्योरेंस रिलेटेड टॉर्म्स तो जो टॉर्म्स इसमें जो क्वालिटी uh, इश्योरेंस का फ्रेमवर्क है उसमें यूज होती हैं उनकी अंडरस्टेंडिंग जरूरी है नंबर वन प्रीसेप्ट ओवरऑचिंग प्रिंसिपल्स इंटेंडेड टू फेसिलिटेट एंड रेगुलेट

पर्टिकुलर डोमेन ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर पर्टिकुलर डोमेन से मराद एकेडेमिक डोमेन है क्योंकि क्वालिटी इश्योरेंस एक्डेमिक क्वालिटी अश्योरेंस की बात करती है अगरचे हम जो जो फाइनेस हैं उसमें क्वालिटी को भी देख सकते हैं कि उसकी जो इनकम है जो एक्सपेंडिचर है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है टू ए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट आर ए लेवल ऑफ क्वालिटी आर अटेनमेंट स्टैंडर्ड एक बेंच मार्क इसको समझ लें आप एक जो पैमाना है जैसे हम बना लेते हैं करिकुलम का एक स्टैंडर्ड है तो करिकुलम को वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो आउटकम अचीव करना है जो करिकुलम के स्टैंडर्ड में दिया गया है और इसको लेवल ऑफ क्वालिटी या अटेनमेंट भी कहते हैं डे एच ईज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिलीव क्वालिटी इश्योरेंस बॉडीज आर सपोज टू रीच इन परसूट ऑफ क्वालिटी एंड एक्सीलेंस यानी स्टैंडर्ड एक ऐसा जो ऐसा पैमाना है या लेवल ऑफ क्वालिटी है या अटेनमेंट है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या क्वालिटी इंश्योरेंस बॉडीज को अचीव करना है जब वो क्वालिटी और एक्सीलेंस के सफर पर चल रहे हों थ्री इज एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन आप समझते हैं कि जो आ, मतलब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है स्टेटमेंट अंडर ईच स्टैंडर्ड एक्सप्लेनिंग दिजायर्ड आउटकम फ्राम ईच स्टैंडर्ड यानी एक स्टैंडर्ड को जब फॉलो किया जाएगा तो उसका नतीजा क्या होगा आउटकम क्या होगा इन आर्डर टू टेन डेट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ताकि वो स्टैंडर्ड अचीव हो जाए मसल करिकुलम का स्टैंडर्ड जो है जब हमें जब हम अचीव कर लेते हैं तो फिर जो है एक्सपेक्टेड जो करिकुलम कैसा होगा एक्सपेक्टेड जो चेंज इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट कैसा होगा करिकुलम की इंप्लीमेंटेशन के बाद और जो जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम है उस करिकुलम को पढ़ने के बाद वो वो क्या होंगे तो ये सारी हैं एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन आउटकम इंडिकेटर एक्सपेक्टेशन का कोई आउटकम भी तो होगा अगर हमने एक्सपेक्टेशन को मीट करना है तो उसकी कुछ इंडिकेटर तय करना होंगे और इंडिकेटर ऑलवेज ऑब्जर्वेबल होता है रिलेटिवली मईरेबल होता है जो कि किसी एकम्पलिशमेंट को और चेंज को मैर करता है यानी चेंज के साथ वो चेंज होता है और हमें पता चल जाता है कि जो डिज़ायर्ड चेंज है वो हैपन हुई है या नहीं हुई Observable and relatively measurable accomplishment or change that demonstrates progress towards attaining a specific expected outcome, contributing in meeting overall expectation or standards. तो वो कौन से जो इंडिकेटर हैं, जो मायरेबल uh, हैं, जो डिफाइन uh, किए जा सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए के जो स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड की जो एक्सपेक्टेशन हैं वो अचीव हुई हैं या नहीं दीज विल सर्व एज द बेसिस एंड द बेंच मार्क्स टू जज अटेनमेंट्स ऑफ गिवन स्टैंडर्ड तो ये बेस भी बनती है बेंच मार्क भी बनती है कि जो है वो कोई स्टैंडर्ड अचीव हुआ है या नहीं हुआ मसलन करिकुलम के स्टैंडर्ड में कौन से इंडिकेटर हैं जो ये बताएंगे कि क्या करिकुलम का स्टैंडर्ड किसी यूनिवर्सिटी ने अचीव कर लिया है या नहीं मसलन अगर करिकुलम जो है वो अपने डिजायर्ड आउटकम अचीव कर रहा है उससे स्टूडेंट भी मुतमिन है उससे टीचर भी मुतमिन है उस पर स्टेक होल्डर्स को भी कोई इतराज नहीं है तो हम फिर समझेंगे कि उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने या यूनिवर्सिटी ने वो करिकुलम का स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है पॉइंट फाइव इज इंडिकेटिव एविडेंस द डिजायरेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज एंड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग पॉसिबल कंट्रीब्यूशन मेड इन मीटिंग द एक्सपेक्टेशन आउटकम इंडिकेटर्स एंड स्टैंडर्ड्स देखें अगर हम वही मिसाल लेते हैं कि जो अगर करिकुलम हमने बनाया है तो प्रीवियस करिकुलम की कॉपी भी होगी एडवांस करिकुलम की कॉपी भी होगी उन मीटिंग्स के मिनट्स भी होंगे जो करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए स्टूडेंट्स का फीडबैक भी होगा जो यूज़ किया गया उस जो करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स का फीडबैक भी होगा इंडस्ट्री का फीडबैक भी होगा तो तो उन सब का कोई डॉक्यूमेंट कोई एविडेंस तो मौजूद होगा तभी हमें पता चलेगा कि इतना एविडेंस मौजूद है कि हम ये कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड जो है वो अचीव हो गया है तो इंडिकेटिव एविडेंस जो है ये डॉक्यूमेंट्स की सूरत में ये स्नैप्स की सूरत में ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में ये विजिबल चेंज की सूरत में होता है सिक्स इज गाइडलाइंस ओवरऑल गाइडलाइंस एंड कॉन्टेक्ट टू फॉलो इन ऑर्डर टू मीट द क्राइटेरिया एंड रीच द गिवन एक्सपेक्टेशन अगेंस्ट ईच स्टैंडर्ड तो क्वालिटी uh, इश्योरेंस का मकसद जो क्वालिटी को अचीव करना है और क्वालिटी को अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कंसर्न पीपल्स हैं उनको प्रॉपरली गाइड करें उनकी कपेसिटी बिल्ड करें तो ये प्रॉपर गाइडेंस और कपेसिटी बिल्डिंग जो है वो डिटेल गाइडलाइंस के बगैर मुमकिन नहीं है तो ये गाइडलाइंस का मतलब ये है कि गाइडलाइंस टू फॉलो द क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस और उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो गाइडलाइंस अवेलेबल हैं वो भी इसका पार्ट है सी क्वालिटी इश्योरेंस प्रिंसिपल्स अगेन ये पी एस जी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का पार्ट है पी एस जी पाकिस्तान परसेप्ट प्ट यानी प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी इश्योरेंस क्योंकि ये 2023 में आया था तो इसके लिए हम इसे 2023 कहते हैं इसके छह प्रिंसिपल हैं जी प्रिंसिपल वन क्वालिटी इज एवरी वन रिस्पांसिबिलिटी नंबर टू क्वालिटी ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स तो Uh, अगरचे जो क्वालिटी हर एक की ज़िम्मेदारी है लेकिन क्वालिटी का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स और बाकी स्टेक होल्डर्स भी लर्न कर रहे हों। इवन फीडबैक देना भी प्रॉपर नॉलेज के बगैर पॉसिबल नहीं है जो प्रोसेसेस हैं उनको लर्न करना अपनी कैपेसिटी बिल्ड करना अगर हम गौर से देखें तो सोसाइटी का हर फर्द वक्त के साथ साथ लर्न कर रहा होता है अपने कॉन्टेक्स्ट को अपनी जॉब को अपने रिलेशंस को अपनी जो सिचुएशन है उसको तो जब तक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी स्टेक होल्डर्स के लिए तब तक जो है वो क्वालिटी को ऑप्टिमल लेवल पर इम्प्रूव नहीं किया जा सकता प्रिंसिपल थ्री इज क्वालिटी एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी ऑफ कोर्स क्वालिटी का मतलब ही जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है प्रिंसिपल फोर इज क्वालिटी एंड गुड गवर्नेंस क्वालिटी तो नाम ही गुड गवर्नेंस का है तो गुड गवर्नेंस नहीं है तो फिर क्वालिटी नहीं है प्रिंसिपल फाइव क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के बगैर भी क्वालिटी का तस्वर नहीं किया जा सकता प्रिंसिपल सिक्स इज क्वालिटी एंड चेंज जाहिर है चेंज आएगी तो क्वालिटी इम्प्रूव होगी अगर चेंज नहीं तो फिर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का हम सोच भी नहीं सकते अब हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को थोड़ी डिटेल से देखते हैं वन बाय वन प्रिंसिपल वन इज क्वालिटी इज एवरी वन इज रिस्पांसिबिलिटी सो इंक्लूडिंग जो स्टूडेंट्स हैं टीचर्स हैं उनके अलावा जो स्टैचूटरी पोजिशन है जो स्टैचू से रिलेटेड पोजिशन है उनमें वाइस चांसलर रजिस्ट्रार कंट्रोलर एग्जाम्स डीन्च ओ डीज़ फैकल्टी मेम्बर स्टाफ स्टूडेंट्स एंड uh, स्टेचुटरी फोम जो हैं जितने भी फोरम्स हैं जो स्टेचुटरी हैं डेट इज सिंडिकेट बी ओ जी बोर्ड ऑफ फैकल्टी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च एंड सो ऑन एंड ऑल्सो क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन और एक एंड अदर नॉन स्टैचूटरी पोजिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी तो तमाम लोग जो रिस्पांसिबल हैं क्वालिटी के जिनमें स्टैचूर्स के आ, के अंडर बनी हुई पोजीशंस भी हैं और स्टैचूस के अलावा बनी हुई पोजीशंस भी हैं जिनको स्टैचूटरी और नॉन स्टैचूटरी पोजीशंस कहते हैं सब इसके जिम्मेदार हैं प्रिंसिपल टू इज़ क्वालिटी ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स सो ऑल स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टॉफ मस्ट प्रोवाइडेड ए हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ एकेडेमिक लर्निंग इंक्लूडिंग रेमेडियल लर्निंग पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट एंड करेक्टर बिल्डिंग सो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ओवरऑल एज एन इंस्टीट्यूशन भी लर्न करती हैं और उनके तमाम अफराद वक्त के साथ साथ लर्न करते हैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बाकी लोग भी लर्न कर रहे होते हैं तो फिर वो लर्न करते क्या है रेमेडियल लर्निंग का मतलब यह है कि उनसे जॉब से, से मुतालिक अगर कोई उनको ट्रेनिंग करवाई गई है उसके बावजूद अगर हमने दस लोगों को ट्रेनिंग करवाई है तो उसमें से छह तो उस ट्रेनिंग के बाद अपनी जॉब के अपटीमल लेवल तक पहुंच गए लेकिन चार स्टिल लैग कर रहे हैं तो उनको हम और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराते हैं यानी जो एरियाज उनके वीक हैं उनमें हम उन्हें ट्रेनिंग कराते हैं इस तरह की जो लर्निंग है जो वो इस दौरान करते हैं उसको रेमिडियल लर्निंग कहते हैं यानी कोई कजी थी उनमें कोई स्किल डेफिशेंट डेफिशेंसी थी जिसको दूर करने के लिए हमने वो ट्रेनिंग करवाई या उन्होंने अपनी लर्निंग की और करेक्टर बिल्डिंग जो है जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन का भी करेक्टर होता है कि कितनी रिस्पॉन्सिव है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रेडिटेशन काउंसिल्स की पॉलिसी को स्टूडेंट्स को सोसाइटी को तो इंडिविजुअल का भी करैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन का भी करैक्टर होता है आपने सुना होगा कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन को तो फोन कर दें तो हमारा काम कर देती है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जो मर्जी कहते रहें वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने करैक्टर भी होते हैं प्रिंसिपल थ्री इज क्वालिटी एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी the quality of higher education provision is judged by how well it contribute contributes to socio economic development of the surrounding areas region and national and international development क्योंकि क्वालिटी का मकसद कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी है तो जिस सोसाइटी में जिस रीजन में यूनिवर्सिटी मौजूद है उसने उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया है जब हम सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सोसाइटी के जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए रिसर्च करना आउटरीच करना यानी सोसाइटी के अंदर जाकर लोगों से मिलना और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें गाइड करना उसके सॉल्यूशंस देना तो ये सारी कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी में आता है यूनिवर्सिटियाँ महज चारदवारी के अंदर मौजूद रहने का नाम नहीं है यूनिवर्सिटियों का काम ये है कि वो एक ब्रेन ऑफ सोसाइटी हैं, उन्होंने सोसाइटी को स्टडी करना है सोसाइटी की इंप्रूवमेंट के लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उन्हें लीडरशिप भी फ्राहम करनी है उन्हें सपोर्ट भी फ्राहम करनी है प्रिंसिपल फोर इज क्वालिटी एंड गुड गवर्नेंस कंप्लीट कंप्लाइंस विद चॉटर एक्ट एंड असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गवर्नेंस मस्ट बी इंश्योर्ड एट ऑल लेवल्स डैट इज पार्टिसिपेशन रूल ऑफ लॉ ट्रांसपेरेंसी रिस्पॉन्सिवनेस कंसेंसिस ओरिएंटेड इक्विटी इंक्लूसिवनेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सो गुड गवर्नेंस दो क्वालिटी है जैसे मैंने पहले कहा कि यूनिवर्सिटी जो है या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने चार्टर को फॉलो करेगा और गवर्नमेंट्स के टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शन आती हैं उन्हें फॉलो करेगा स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाएगा और रूल ऑफ लॉ पे चलेगा अपने मामलात को ट्रांसपेरेंट रखेगा और रिस्पॉन्सिव होगा यानी जुम्मनदार होगा सोसाइटी में आने वाली चेंजेस को फील करेगा गरीब तलबा को जो स्कॉलरशिप देगा जो नीडी है उनका ख्याल रखेगा गरीब तबका जो उसकी वेसिनिटी में है उनकी अपलिफ्ट के लिए कोशिश करेगा कंसेंसस ओरिएंटेड है यानी किसी ख़ास तबका को या वीकर पार्ट को बुलडोज करना यूनिवर्सिटियों का काम नहीं है भला वो बसर की मीटिंग हो वो बीयूएस की मीटिंग हो कोशिश की जाती है कि सबको साथ लेकर चलें इक्विटी और इंक्लूसिवनेस का ख्याल रखा जाता है जब कोई इंसानी ग्रो इकट्ठा होता है तो उन सब की सलाहतें एक जैसी नहीं होती कुछ को ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है कुछ को कम सपोर्ट की जरूरत होती है तो क्वालिटी के लिए जरूरी है कि इस फर्क को मलहूज खात रखा जाए इफेक्टिवनेस एंड एफिशियंसी ऑफ कोर्स गुड गवर्नेंस का पार्ट है क्वालिटी का पार्ट है अकाउंटेबिलिटी के बगैर ना गवर्नमेंट चल सकती है ना घर चल सकता है ना क्वालिटी चल सकती है ना यूनिवर्सिटी चल सकती है प्रिंसिपल फाइव इज क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हैविंग a चार्टर फ्रॉम पार्लियामेंट institutions, इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी टू सस्टेन अ स्ट्रांग कमिटमेंट टू अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी पब्लिक डिस्क्लोजर सो so, जब चार्टर मिल जाता है तो यूनिवर्सिटी की ये रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अकाउंटेबिली अकाउंटेबिलिटी का ख्याल रखे यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट फंड देती है स्टूडेंट फी देते हैं तो वो अकाउंटेबल है जवाब दे हैं उनको यूनिवर्सिटी के मामल ट्रांसपेरेंट हो पब्लिक डिस्क्लोजर हो लोगों को नजर आ रहे हों कि हम क्या कर रहे हैं ये हमारा सिलेबस है वेबसाइट पर मौजूद है ये हम पढ़ाते हैं ये मौजूद है ये हमारे रिजल्ट्स हैं पब्लिक में से अगर कोई कोई रिकॉर्ड देखना चाहे तो उसको अवेलेबल हो इसका फ़ायदा ये होता है कि रिकॉर्ड साफ़ सुथरे रहते हैं मौजूद रहते हैं और एक जवाबदेही का नसर जो है यूनिवर्सिटी को में प्रोफेसर में उनके स्टाफ में मौजूद रहता है क्रिएटिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड सस्टेनिंग पब्लिक ट्रस्ट दोनों ज़रूरी हैं यानी पब्लिक को इतमाद हो कि यूनिवर्सिटी ये कर रही है उसे पता हो और वो उस पर ये भी इतमाद हो कि यूनिवर्सिटी जो कर रही है दुरुस्त कर रही है ये भी इतमाद हो कि जब ज़रूरत पड़े तो हम यूनिवर्सिटी को अपना फीडबैक दे सकते हैं और फिर पब्लिक का जो इतमाद या ट्रस्ट है हासिल ही नहीं करना बल्कि इसे सस्टेन भी करना है दिस इन्वॉल्व एविडेंस ऑफ स्ट्रॉग कमिटमेंट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ करेडिटेशन काउंसल्स गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल क्वालिटी इश्योरेंस एंड करेडिटेशन एंटिटीज इंक्लूडिंग क्वालिटी इश्योरेंस एजेंसी ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो ये तब भी मुमकन है अकाउंटेबिलिटी का आंसर जब करेडिटेशन काउंसल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी कर रहे हों और काउंसिल uh, आके विज़िट भी कर रहे हों इस तरह गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके लिए भी हम कमेटियाँ बना के देखें क्या उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं और तमाम लोगों को uh, दूसरों के सामने दे भी होना है अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में जो वो अदा कर रहे हों जिसको हम पीयर रिव्यू भी कहते हैं और जिसको ऑडिट भी कहते हैं तो ये ज़रूरी है नंबर सिक्स है क्वालिटी एंड चेंज क्वालिटी हायर एजुकेशन नीड्स टू बी इंक्लूसिव फ्लेक्सिबल क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डेवलपिंग एंड इवॉल्विंग टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स टू जस्टिफाई द कॉन्फिडेंस ऑफ सोसाइटी एंड टू मेंटेन डाइवर्सिटी सो क्वालिटी की तमाम एफर्ट्स इसलिए की जाती हैं ताकि वो चेंज आए ताकि सिस्टम चेंज की तरफ जाए और पॉजिटिव चेंज ही तो क्वालिटी इन्हेंसमेंट है जिसके लिए ज़रूरी है कि ये सिस्टम फ्लेक्सिबल हो क्रिएटिव हो इनोवेटिव हो और ये स्टूडेंट की ज़रूरत के गिरदों में ये देखें कि स्टूडेंट को इस वक्त लर्निंग के लिए उनकी जॉब्स के लिए फ्यूचर में उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उनमें लर्निंग एटीट्यूड पैदा करने के लिए उनमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने के लिए उसमें उनमें मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उनको इन्हांस करने के लिए क्या किया जा रहा है ऑप्टिमल वे से हमने स्टूडेंट को गाइड करना है और फिर हमने जो सोसाइटी के कॉन्फिडेंस को जस्टिफाई भी करना है और मेंटेन डाइवर्सिटी भी रखनी है यानी वीकर पार्ट को भी साथ लेके चलना है जो लोग थोड़े से डिफिकल्ट पीपल्स हैं या जिनको जिनको डील करना मुश्किल है उन्हें भी साथ लेकर चलना है जो वीकर हैं जिनको समझाना मुश्किल है उन्हें भी साथ लेकर चलना है तो क्वालिटी चेंज का नाम है इंक्लूसिव चेंज का और पॉजिटिव चेंज का डी पार्ट इज वैल्यूज ऑफ क्वालिटी इश्योरेंस प्रोसेस और प्रोसेस अगेन ये भी हम जो uh, जो पाकिस्तान प्रीसेप्ट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी इश्योरेंस 2023 की रोशनी में इस पर गुफ्तु करेंगे वन इज दटोनॉमी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड इट्स एकेडमिक एक्टिविटीज इज ऑनर्ड जिस भी यूनिवर्सिटी की क्वालिटी को हम देखेंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी को देखेंगे उसकी ऑटोनॉमी को मलहूज खातर रखा जाएगा वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है वो जैसे फंक्शन कर रहा है वैसे ही करें हम उसको मशवरा देंगे कि वो अपनी फंक्शनिंग को कैसे बेटर बना सकता है हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दें और हमारे वाली शुरू कर दें टू इज रिव्यूज शुड बी कंसर्न विद हाउ इंस्टीट्यूशन मेंटेन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स तो जो जो क्वालिटी के रिव्यूज हैं उसमें ये सजेस्ट किया जाएगा देखा जाएगा उनकी हेल्प की जाएगी वो कैसे अपने तालीमी मेार को बरकरार रखें और कैसे अपने इंतजामी मैार को बरकरार रखें यानी उनके को हम तजावीज़ देंगे कैसे वो अपनी जो अपनी फंक्शनिंग है जैसे अदारा अपने आप को कंडक्ट कर रहा है उसको इम्प्रूव करें ताकि वो मेंटेन कर सके डिजायर्ड लेवल ऑफ इकडेमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स को थ्री इज रिव्यूज फोकस ऑन हाउ इंस्टीट्यूशन अशोर द क्वालिटी ऑफ एकेडमिक प्रोविजन तो रिव्यू का फोकस सिर्फ ये है कि अदारा कैसे क्वालिटी एजुकेशन अपने स्टूडेंट को दे सकता है नंबर फोर इज रिव्यूज शुड प्रोमोट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन्हेंसमेंट एंड इनोवेशन यकीनन क्वालिटी का पूरा स्ट्रक्चर ही इसलिए बनाया गया है कि मुसलसिल इम्प्रूवमेंट हो इनहेंसमेंट हो और इनोवेशन हो ताकि हम बेहतर तरीके से स्टूडेंट की जो नीड्स हैं उनको एड्रेस कर सकें उनको इम्प्रूव कर सकें फाइव थ्रू इफेक्टिव फीडबैक रिव्यूज शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंस्टीट्यूशंस टू लर्न फ्रॉम प्रोसेस सो so, जो रिव्यू प्रोसेस है और जो सेल्फ uh, असेसमेंट है जो क्वालिटी एश्योरेंस के सारे प्रोसेस हैं वो तो सारे हैं ही इसलिए कि अदारा उनसे लर्न करे अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे अपनी स्टेंट्स को आइडेंटिफाई करे और अपने आप को इम्प्रूव करे अगर इम्प्रूवमेंट नहीं तो फिर ये सारा प्रोसेस बेमानी है इसका फ़ायदा नहीं है six is quality reviews assess the operation of quality assurance processes as well as outcome for students and staff so jo jo quality reviews hain wo assess karte hain quality assurance ke processes ki apni performance bhi ki kya jo self assessment का काम जारी है या quality assurance जो हो रही है उसके नतीजे में कोई स्टूडेंट्स के जो काम है या उनकी क्वालिटी है और स्टाफ के काम जो क्वालिटी में कोई बेहतरी भी आ रही है या नहीं तो ये हमारा फोकस होता है सेवन इज रिव्यू टीम्स आर कंपोज ऑफ पीयर्स विद एक्सपर्टीज टू कमेंट बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस इन अदर इंस्टीट्यूशन सो जो पीयर रिव्यू की टीम है जो क्वालिटी रिव्यू की टीम है क्योंकि तो ये मुख्तलिफ अदारों के सीनियर लोग होते हैं इसलिए वो अपना तजर्बा साथ लाते हैं और जिस अदारे का रिव्यू कर रहे हैं उसको अपने तजर्बे से इनरिच करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सके एट इज रिव्यूज़ आर एविडेंस बेस्ड यानी वैसे ही किसी बदगुमानी की बना पर किसी अपने जहन में आए हुए ख्याल की बना पर हम रिव्यू नहीं कर सकते हमने डॉक्यूमेंट देखने हमने कागजात देखने हमने ऑब्जर्वेशन करनी है हमने रूल रेगुलेशन देखनी है हमने क्वालिटी इश्योरेंस का फ्रेमवर्क देखना है फिर ही उनको हमने सजेस्ट करनी है कोई चीज़ जो एविडेंस बेस्ड होगी और हमारी सजेशन में ऐसे नहीं है कि अदारे के पास वसायल ही नहीं है और हम उसे कह दें ये कर दें उसके वसाइल को उसके कंटेक्सट को भी हमने मद्देनज़र रखना है पॉइंट नाइन एज थ्रू पार्टिसपेशन इन रिव्यू प्रोसेस द क्वालिटी कल्चर विद इन इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रेंथन सो जो रिव्यू प्रोसेस है जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है उसके थ्रू जो क्वालिटी कल्चर है वो मजबूत होता है दारों में और होना चाहिए जैसे कि जब रिव्यू आना होता है रिव्यू की प्रेपरेशन जब शुरू होती है तो क्वालिटी पर डायलॉग शुरू हो जाता है क्वालिटी की डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाती है जो लोगों की लोग लोग एजुकेट होते हैं लोग सेंसिटाइज़ होते हैं लोग एक्टिविटीज़ कुछ जल्दी में करते हैं कुछ के डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जो जल्दी में करते हैं वो भी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिनके डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो भी उन्हें जहन में आ जाता है कि ये काम जो करना था जो नहीं कर पाए नेक्स्ट ईयर वो उसको कर लेते हैं नंबर टेन इज क्वालिटी इज एवरी वन रिस्पांसिबिलिटी दैट इंक्लूड सीनियर मैनेजर्स एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सपोर्ट लीडर्स एकेडमिक स्टाफ एंड स्टूडेंट्स सो क्वालिटी किसी एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं है ये सब ने मिलजुल कर करना है उन्हें साथ लेकर चलना है सीनियर मैनेजर साथ होंगे एकेडेमिक और प्रोफेशनल सपोर्ट लीडर साथ होंगे एडेमिक स्टाफ साथ होगा और स्टूडेंट साथ होंगे ये क्वालिटी कल्चर बनाने की बात है ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई रूल नाफिज कर देना है क्वालिटी का कल्चर होता है क्वालिटी नाफज नहीं की जाती क्वालिटी का कल्चर क्रिएट किया जाता है अलेवन इज रिव्यूज शुड रिफ्लेक्ट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स सोसाइटी एंड लेबर मार्केट तो जो पीयर रिव्यू के जो पीयर रिव्यू की जो फाइंडिंग्स होंगी उनका फोकस ये होगा कि स्टूडेंट की जरूरतें पूरी हों सोसाइटी की जरूरतें पूरी हों और लेबर मार्केट की जरूरतें पूरी हों ये हमारी सेकेंड टॉक थी क्वालिटी इश्योरेंस फ्रेमवर्क पर जिसमें हमने पाकिस्तान प्रिसप्ट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस पर बात की ऑफ़ कोर्स जो उसका एक कंपोनेंट था हमने बात की एच और क्वालिटी इंश्योरेंस एजेंसी पर हमने बात की क्वालिटी इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म्स पर हमने बात की क्वालिटी इश्योरेंस प्रिंसिपल पर हमने बात की जो वैल्यूज़ ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोसेस पर Thank you very much for being with me. See you in the next talk.